हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैब। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम मेंस आंसर राइटिंग सीरीज की अभी बात क्यों कर रहे हैं। एचपीएस एग्जाम की नोटिफिकेशन आउट है और इस एग्जाम की प्रिपरेशन में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना एक बहुत क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि मेंस एग्जाम जो कि सेकंड स्टेज होगा प्रीलिम्स के बाद, वहां पर अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हो तभी जाकर के आपकी जो मेरिट लिस्ट है वहां पर अच्छा रैंक आपको देखने को मिल सकता है, आपकी सिलेक्शन हो सकती है। और अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब आपकी आंसर राइटिंग काफी स्ट्रांग हो। इस टाइम पर ज्यादातर एस्पिरेंट्स का फोकस प्रीलिम्स के ऊपर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी करना सही नहीं होगा कि हम इस टाइम पर मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को बिल्कुल भी ना करें। अगर ऑलरेडी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे तो उसको इस टाइम पे बंद कर देना वो भी सही नहीं होगा। और अगर अभी तक आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू नहीं की है तब भी आपको इस वक्त जितना जल्दी हो सके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा फोकस आंसर राइटिंग पे हो, लेकिन एटलीस्ट आप वीक में या पर डे कुछ आंसर जरूर लिखते रहिए ताकि इन टच आप रहें और आपकी आंसर राइटिंग का जो स्टाइल है वो लगातार इंप्रूव होता रहे। मेंस एग्जाम तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसी एफर्ट में आपकी मदद करने के लिए हम ये सीरीज लेकर आ रहे हैं। वीक में 3 डेज हम लोग मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपके साथ GS1, GS2 एंड GS3 इन क्वेश्चन, इन तीनों पेपर्स में जो टॉपिक्स आते हैं, जो सिलेबस का पार्ट है, उनके ऊपर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। फोकस हमारा इस बात पे होगा कि आंसर का कंटेंट क्या हो उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि कंटेंट क्या है वो तो हमारा स्टैटिक सब्जेक्ट का पार्ट होता है, हमारी रिविजन का पार्ट होता है, उसको हम अलग से बात करेंगे ही। लेकिन आंसर लिखते वक्त किन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है, क्या रूल्स या क्या प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं और किस तरीके से आप सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हो अपने आंसर्स की, आप खुद मार्क कर सकते हो कि मैंने अपने आंसर के अंदर क्या चीजें इंक्लूड की हैं, सही की हैं और क्या चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैंने गलत की हैं, राइट। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं विद GS1 और GS1 के 3 आंसर्स, एक आंसर 4 मार्कर, एक 8 मार्कर और एक आंसर 20 मार्कर का हम देखेंगे। और 3-स्टेप फॉर्मूला यूज करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी आप में से कुछ एस्पिरेंट्स हमारे इस 3-स्टेप फॉर्मूला के बारे में जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं इस सेशन के अंदर आपको ये बताने वाला हूं, राइट। तो सबसे पहले 3-स्टेप फॉर्मूला के अंदर हम लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन किस तरीके का है, क्वेश्चन के माइक्रो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड्स कौन से हैं, क्वेश्चन का डायरेक्टिव क्या है, ये सारी चीजें हमें सबसे पहले स्टेप वन में फॉलो करनी पड़ती हैं। और ये हमारा आधा काम है, क्वेश्चन को अगर हम ढंग से समझ जाएंगे, क्वेश्चन की डिमांड्स को समझ जाएंगे, क्वेश्चन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं अगर हम वो समझ जाएंगे तो बहुत इजीली जो है हम लोग अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और सभी आंसर्स को लिख करके हम अच्छे मार्क्स जो है वहां पर स्कोर कर सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद आता है हमारा कंटेंट का पार्ट। कंटेंट के पार्ट में वी इंक्लूड एंड वी मेक श्योर कि जो हमारा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, जो हमारा आंसर है, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये आता है हमारा सेकंड पार्ट जहां पर हम कंटेंट की बात करते हैं। और फिर आता है हमारा फॉडर मटेरियल। फॉर्डर मटेरियल और कंटेंट में क्या डिफरेंस है, कंटेंट तो वो आपका क्वेश्चन का आंसर का क्रक्स होगा जिसको आप लिखने जा रहे हो, वहां पर आप इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से अपने आंसर को लिखोगे। फॉर्डर मटेरियल में हम बेसिकली बात करते हैं कि क्या एग्जाम्पल्स आप यूज करने वाले हो अपने आंसर्स के अंदर, क्या डेटा आप लिखने वाले हो, क्या सोर्सेज आप कोट करने वाले हो, जिससे आप जो भी आंसर दोगे उसको आप प्रूव कर सको, उसको सब्सटेंशिएट कर सको, राइट। तो ये 3 चीजों को हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 4 मार्कर क्वेश्चन है जिसकी लिमिट हमें एचपीएस एग्जाम में 60 वर्ड्स की दी गई रहती है। और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। आई होप दिस इज विजिबल टू यू, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि हाईलाइट करना है हमें द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हिमाचल के अंदर, यहां पर आपको जो 3-स्टेप फॉर्मूला का स्टेप 1 है बहुत इजीली वो पूरा हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। सिंपल आपसे पूछा गया है कि पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग क्या है, आपको पता है, इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको बस हाईलाइट करने हैं, हाईलाइट करने का मतलब है मेंशन करने हैं, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप हमारा आता है आंसर को जो हम लिखना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं इंट्रो। इंट्रो में किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, या तो हम पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो कि इस 4 मार्कर क्वेश्चन के लिए बहुत इजीली हो जाएगा कि पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग को हम यहां पर एक्सप्लेन कर देंगे कि होता क्या है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो मैंने जैसे यहां पर क्या लिखा कि पहाड़ी पेंटिंग और पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग इज एन अम्ब्रेला टर्म यूज्ड फॉर अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग मोस्टली इन मिनिएचर फॉर्म ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयन हिल किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया।
एक लाइन के अंदर मैंने इन सभी कीवर्ड्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है। हमें एग्जामिनर को सारे कीवर्ड्स देने होते हैं जो हमें लगता है कि मार्क्स फेच करेंगे। जैसे अम्ब्रेला टर्म है, हम अलग अलग जो पेंटिंग्स के स्कूल्स हैं, जैसे चाहे वो बशोली हो चाहे वो कांगड़ा हो, इनको मिला करके पहाड़ी पेंटिंग्स बोल देते हैं। इसमें हमने कहा कि ये जो पेंटिंग्स है मोस्टली मिनिएचर फॉर्म की रहती है, कोई वॉल या म्यूरल पेंटिंग्स नहीं है, मिनिएचर पेंटिंग्स है। इसके साथ ही हिमालयस के हिल किंगडम्स में, जो नॉर्थ इंडिया के हिल किंगडम्स हैं, वहां पर ये स्कूल्स डेवलप हुए। तो एक लाइन के अंदर हम जितना ब्रीफ रहते हुए, क्योंकि 60 वर्ड्स ही हमारे पास, हम इस आंसर को लिखने की कोशिश करेंगे। एक चीज मैं और आपको केवियट दे देता हूं कि जो आंसर्स मैं यहां पर लिखता हूं, ये कई बार वर्ड लिमिट से ज्यादा बड़े आंसर होते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ आपको मिलती है डाउनलोड करने के लिए और आप इसको एज अ रिविजन नोट्स की तरह भी यूज करते हो, तो सारा कंटेंट हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल एग्जाम में आप इतने बड़े आंसर लिख कर आओगे। ये सारी चीजों में से जो चीजें आपको याद रहेंगी वही लिख कर आओगे, इसको और छोटा करोगे, जब इसको पढ़ोगे आपके माइंड में जो चीजें याद होंगी वो और छोटी होंगी, राइट, और कम हो जाएगा। तो वर्ड लिमिट तो हमेशा फॉलो करनी है, लेकिन दिस आंसर, ये जो पूरा आंसर है, इसका कंटेंट आपको पढ़ने के लिए है, याद करने के लिए है, स्ट्रक्चर के ऊपर आपका ज्यादा फोकस रहना चाहिए। जैसे मैंने यहां पर लाइन बता दी कि पहाड़ी पेंटिंग क्या होती है, और फिर मैंने कहा कि ये राजपूत पेंटिंग्स के काफी सिमिलर होते हैं और इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, तो मैंने तुरंत दो लाइन लिखने के बाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में जंप कर गया हूं, जो मेरे क्वेश्चन की डिमांड थी कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, राइट। 2017 के एचपीएस मेंस में ऑलरेडी इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है 4 नंबर का कि डिस्कस इन ब्रीफ द हिल पेंटिंग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, लगभग सेम तरीके का क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब हाईलाइट्स क्या है, तो हाईलाइट्स का मतलब होता है मुझे पेंटिंग्स के बारे में जो यूनिक फीचर्स है उनको यहाँ पर हाईलाइट करना है, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। तो मैंने पहला पॉइंट बताया कि इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, अलग अलग तरीके के पेंटिंग स्टाइल्स हैं अलग रीजन्स में, ज्योग्राफिकल रीजन्स के बेसिस पे। फिर मैंने बताया है कि चंबा, गुलेर, गढ़वाल, बशोली, जसरोटा, जम्मू, ये अलग अलग स्कूल्स अलग अलग रीजन पे ऊपर पेंटिंग डेवलप हुई है, ठीक है। ये पॉइंट्स लिखने का स्टाइल आप देख लीजिए, इसी तरीके से आप पॉइंट्स लिखेंगे, पॉइंट्स में सब हेडिंग जो होगी कि क्या इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट का कीवर्ड क्या है, एग्जामिनर को वो हेडिंग समझ आ जानी चाहिए पढ़ते ही कि आगे आप क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हो। और एग्जांपल भी दिए मैंने एग्जांपल दे दिया कि जो अलग अलग पेंटिंग्स की स्टाइल में बता रहा हूं उसके ये सारे एग्जांपल्स हैं। फिर मैंने कहा कि मुगल, डेक्कन और गुजरात स्टाइल का इसके ऊपर जो है इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जैसे कि चंबा पेंटिंग्स की हम बात करें तो काफी ज्यादा वो इन्फ्लुएंस होती है फ्रॉम द मुगल स्टाइल एंड राजपूत स्टाइल ऑल्सो। फिर सेकेंड हाईलाइट है सब्जेक्ट एंड थीम, रिलीजियस थीम्स हैं जो थीम्स यूज की जाती हैं पेंटिंग्स के अंदर, ठीक है, और किस तरीके से अलग अलग पेंटिंग्स में उसको डिपिक्ट किया जाता है। डेलिकेट टच ऑफ लाइन एंड यूज ऑफ वाइब्रेंट कलर्स हमें देखने को मिलते हैं पहाड़ी पेंटिंग्स के स्कूल में, और जो पेंटर्स हैं वो प्रिंसेस वॉर हंटिंग इसके ऊपर उनका जो है फोकस ज्यादा होता है, और लव थीम्स जो है जो खासतौर पर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के अंदर लव थीम्स पोर्ट्रेट की गई है महाभारत के अंदर, कृष्णा राधा की जैसे लव स्टोरीज हैं, तो उसको भी यहां पर हम लोग डिपिक्ट करते हैं। तो ये एक 60 वर्ड्स के अंदर इसको कंप्रेस करके आप आंसर लिखेंगे। पॉइंट वाइज आंसर लिखना यहां पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट रहते हैं ना, तो एग्जामिनर को पता चलता है कि चार अलग अलग चीजें यहां पर लिखी गई हैं जिसके लिए मुझे मार्क्स देने पड़ेंगे, राइट। और ये जो क्वेश्चन है वो 4 मार्कर का है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप एक भरा पूरा आंसर लिखते हो विद 4 पॉइंट्स, क्लियर। ये 4 मार्कर क्वेश्चन तो इजी हो गया, आई होप इसको आप खुद अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे। फिर अब बात कर लेते हैं 8 मार्कर क्वेश्चन की। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द की एलिमेंट्स ऑफ बेसिक फॉर्म ऑफ अ हिंदू टेम्पल, ऑल्सो हाईलाइट द डिफरेंसेस बिटवीन द आर्किटेक्चर ऑफ नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, और पहले स्टेप को अगर हम फॉलो करें तो क्वेश्चन को समझने की अगर कोशिश करते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर कितने पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या कहता है, पहला माइक्रो क्वेश्चन क्या कहता है, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई दी की एलिमेंट्स ऑफ बेसिक हिंदू टेम्पल। जो एक बेसिक हिंदू टेम्पल होगा उसके की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं जो हर हिंदू टेम्पल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बताने के बाद हमें डिफरेंसेस भी बताने हैं, हमें डिफरेंसेस भी बताने हैं जो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल के बीच में होते हैं। बेसिकली नगरा स्टाइल जो है और जो हमारा द्रविड़ियन स्टाइल है इसके टेम्पल्स के आर्किटेक्चर के बीच का डिफरेंस हमें बताना है, राइट। इसी तरीके का क्वेश्चन 2017 में जब आया था कि हमसे पूछा गया टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया, इसके मेन फीचर्स आप बता दो, तो इसी तरीके से अब इस क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन आएगा सबसे पहले, इंट्रोडक्शन में हम हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर की थोड़ा बैकग्राउंड दे सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया कि ओवर द सेंचुरीज ये इवॉल्व हुआ है, पहले सबसे पहले सिंपल रॉक कट केव्स में टेंपल्स बनते थे, पत्थरों को काट के सिंपल टेंपल बना दिए जाते थे, और उसके बाद जो है स्टोन टेंपल्स बनने लगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और कुछ बेसिक एलिमेंट्स डेवलप हो गए, और ये बेसिक एलिमेंट जो है वो आगे मैं डिस्कस कर रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज हम ध्यान रखते हैं कि जब भी इंट्रोडक्शन लिखते हैं
और उसके बाद आंसर का मेन बॉडी लिखते हैं, तो इसके बीच में लिंकेज जरूर होना चाहिए। जब आप आंसर कोई एग्जामिनर पढ़े तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में कुछ और लिखा है और उसका कोई कनेक्ट नहीं है मेन आंसर बॉडी के साथ। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि देर आर सर्टन बेसिक एलिमेंट्स ऑफ हिंदू टेम्पल्स विच आर कॉमन अक्रॉस द एंटायर नेशन, मैंने इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं वो आगे मैंने मेंशन कर दिया है, मैंने बता दिया गर्भगृह मंडप शिखर विमान ये चीजें हर हिंदू टेंपल के अंदर में देखने को मिलेंगी। और उसके बाद वाहन अंतराल जगती ऐसे ही इसमें से जो पॉइंट आपको याद रह जाए इंपॉर्टेंटली उनको आप लिख दीजिएगा, लेकिन जो प्रायोरिटी वाइज पॉइंट्स लिखे गए हैं ये प्रायोरिटी आपकी क्लियर रहनी चाहिए। गर्भगृह मंडप शिखर ये इसी प्रायोरिटी में है, गर्भगृह हर मंदिर में होगा, मंडप हर मंदिर में होगा, शिखर होगा, हो सकता है कि किसी मंदिर में मंडप ना हो पर गर्भगृह के बिना कोई मंदिर काम नहीं करेगा, तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट जरूर आने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने शिखर विमान लिख दिया, आपने वाहन अंतराल लिख दिया और आप गर्भगृह लिखना भूल गए जहां पर मेन डेटी रहती है, तब आपका आंसर इनकम्प्लीट रह जाएगा। चाहे तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं 8 मार्कर क्वेश्चन के अंदर, 20 मार्कर्स और 8 मार्कर्स में कोशिश करते हैं कि हम डायग्राम फ्लो चार्ट्स को इंक्लूड कर दें किसी तरीके से, बेसिक टेंपल का आर्किटेक्चर बना करके वहां पर आप ये पिरामिडल जो शिखर होता है जो आपका गर्भगृह होता है उसको वहां पर आप डिपिक्ट कर देंगे तो काफी अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, बहुत इजीली आपको डिफरेंसेस बताने नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर के, और वो आप एक टेबल बना करके पेज को डिवाइड करके दो पोर्शंस के अंदर आप लिख सकते हो, एक साइड नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में और दूसरी साइड साउथ इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में। अब ये जो डिफरेंसेस हैं उन्हें प्रूव करने के लिए एग्जांपल्स भी आपको जरूर देने पड़ेंगे, बिना एग्जांपल दिए आप कभी भी अपने आंसर को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, राइट। अब कंटेंट क्या है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये तो आपको इस पीडीएफ के अंदर ही मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने सारे डिफरेंसेस जो होते हैं वो नोट कर दिए हैं, इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लोगे और वहां पर आपको सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द 20 मार्कर क्वेश्चन। नाउ दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, 400 वर्ड्स में आपको 20 मार्क्स जो है एग्जामिनर से छीनने होते हैं, और ये अगर आप 20 मार्कर क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस आते हैं हमारे एक पेपर के अंदर 20 मार्क के, उनको अगर अच्छे से सॉल्व कर दोगे आप तो बहुत इजिली आपका जो मार्क्स है पूरे जीएस पेपर का वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब यहां पर हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिस्कस द फीचर्स एंड फेजेस ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल paying attention to the contributions of Bhagat Singh। तो question, जो main question है, वो question क्या है? कि हमें discuss करना है। Discuss करने का मतलब होता है detail discussion, जिसमें आपको background देना पड़ेगा, आपको pros and cons देने पड़ेंगे, जितनी information आपके पास है, examiner को आपको किसी तरीके से बतानी पड़ेगी एक balanced viewpoint से। और किस बारे में information देनी है? कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था, पूरी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की यहां पर बात नहीं हो रही है, सिर्फ रेवोल्यूशनरी फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो रही है यहां पर, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके फेजेस क्या हैं, वो आपको यहां पर डिटेल में लिखना है। और इसके बाद आपको भगत सिंह के कंट्रीब्यूशन के बारे में भी मेंशन करना है। तो मैंने आंसर कैसे स्टार्ट किया, मैंने कहा कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस की, इट कंप्राइजेस द एक्शंस ऑफ अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी फैक्शंस। की रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है क्या, कि जो अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी फैक्शंस थे जो कि वायलेंट मेथड्स को भी यूज कर रहे थे अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, राइट। फिर इंट्रोडक्शन, ऑब्वियसली 400 मार्क्स का आंसर, 400 वर्ड्स का आंसर है, थोड़ा इंट्रोडक्शन बड़ा होगा हमारा। हम बताएंगे कि जो रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी थी वो स्टार्ट कहां से हुई, क्योंकि हम बैकग्राउंड भी दे रहे हैं यहां पर कि लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में सेवरल इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई है, और इसमें खास तौर पर बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी, उड़ीसा, बिहार एंड मद्रास प्रोविंसेस के अंदर हमारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है वो काफी स्ट्रांग थी, ठीक है। But it is predominantly operated in Bengal, Maharashtra, Punjab as these regions are more politically active than other parts of the country. कि जो region ज़्यादा politically active थे, obviously वहाँ पर ज़्यादा revolutionary activities भी हमें देखने को मिलती थी। तो ये जो introduction गया, इस introduction में basically मैंने revolutionary movement की बात कर दी और मैंने उसका background बता दिया introduction के अंदर ही कि कैसे revolutionary movement India के अंदर start हुई है। फिर बात आती है कि फीचर्स क्या है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया के। फीचर्स पॉइंट वाइज आप नोट करोगे, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आप लिख रहे हो, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, पार्टीशन हुआ है बंगाल का, इसको आप हाईलाइट करोगे किसी तरीके से, या तो आप अंडरलाइन कर दीजिए या फिर आप उसे कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिए सारे वर्ड्स को, किसी तरीके से एग्जामिनर को ये कीवर्ड्स मिस नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। प्रायोरिटी वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लिस्ट करेंगे, मैंने यहां पर आपके 5 पॉइंट्स लिखे हैं जो फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं। फिर हेडिंग भी मैंने फेजेस ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, ये भी पूछा गया था ना कि फीचर्स क्या हैं और फेजेस क्या हैं, फिर मैंने ये सारे फेजेस यहाँ पर आपको बता दिए। फेज वन आता है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का 19th से अर्ली 20th ईयर तक। सेकेंड फेज जो है वो हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम 1922 टू 1930s, और जो हमारा थर्ड फेज है
वो हमारा 1930s के बाद भगत सिंह की कंट्रीब्यूशन से, भगत सिंह के बाद वो हमारा थर्ड फेज जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर हमने भगत सिंह की भी जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि भगत सिंह यही जो हमारी फेज टू है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की, यहाँ पर उनकी उनका जिक्र आता है। यहाँ पर हम सारे रेवोल्यूशनरी फ्रीडम स्ट्रगल के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका नाम लिखेंगे। हम भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब्स फेंके गए थे, अपनी डिमांड बताई गई थी, उसके बारे में हम यहाँ पर सारा कंटेंट लिखेंगे। और ये सारा कंटेंट आपकी रिविजन के लिए भी काम आने वाला है। बट Look at the information how it is provided. Paragraphs के अंदर या point wise paragraphs, हमने points को भी paragraph में divide किया, आप देख सकते हो। ये points के फिर थोड़ा सा gap देके हमने next जो है यहाँ पर भगत सिंह की contribution की बात की, और finally हमने introduction दिया, conclusion दे दिया answer का कि revolutionary movement जो है वो भले ही बहुत ज्यादा contribution, बहुत landmark changes ना लेके आ पाई हो British policies के अंदर, but still जो sacrifice दिए हैं रेवोल्यूशनरीज ने, उन्होंने इंस्पायर किया है मासेस को, उन्होंने लोगों के अंदर मोटिवेशन जगाई है। और जाते जाते भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन के बारे में हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, क्लियर। अब भगत सिंह की कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी जो पूछी गई थी कि स्पेशल रेफरेंस भगत सिंह का दिया गया था, वो चीज भी मैंने यहाँ फेज टू के अंदर एक्सप्लेन कर दी है। तो बेसिकली 20 मार्क्स अटेन करने के लिए जो मेहनत हमें करनी चाहिए, सारे कीवर्ड्स आंसर होने चाहिए, आंसर में होने चाहिए, सारे माइक्रो क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें इंक्लूड हो गई है, क्लियर। So this is how you are going to write your answers and you are going to evaluate yourself. Evaluate कैसे करोगे खुद को? जब आप खुद आंसर लिखोगे तो आप उसमें खुद देखोगे कि क्वेश्चन को पढ़ के क्या मैंने सारे क्वेश्चन के अंदर जो भी चीजें पूछी गई थी उसका आंसर लिखा है या नहीं लिखा है, मेरे आंसर के अंदर वो सारी चीजें हैं या नहीं है, जो कीवर्ड्स होने चाहिए वो कीवर्ड्स मेरे आंसर के अंदर है या नहीं है, मैंने आंसर को इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया है या नहीं दिया है, मैंने एग्जांपल्स इसमें इंक्लूड किए हैं नहीं किए हैं, मैंने डायग्राम या फ्लो चार्ट कुछ बनाया है या नहीं बनाया है, ये सारी चीजें आप अगर अपने आंसर के अंदर देखते हो कि मौजूद है तो इसका मतलब आपने आंसर अच्छा लिखा है, अदरवाइज आपको और इंप्रूव करने की जरूरत है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट डिस्कशन। अभी मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग आंसर राइटिंग जो है वो अपनी लिखना स्टार्ट करेंगे, और ये डिस्कशन जो है हमारा वीक में 3 डेज लगातार चलता रहेगा। आप लोग भी लगातार जो है अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू करिए। अगर प्रिलिम्स की डेट आ जाती है तो उसके बाद आप अपनी तैयारी को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, आंसर राइटिंग बंद की जा सकती है, पॉज की जा सकती है तब, लेकिन अभी हमारा काम है कि हम आंसर राइटिंग अभी अगर हम करते आ रहे थे तो उसे कंटिन्यू रखें, और अगर नहीं किया अभी तक हमने स्टार्ट तो उसको जरूर स्टार्ट कर दें। मेंस में भी अब ज्यादा समय नहीं रहा है, हमें मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, क्लियर है। सो इसी के साथ मुझे यहां पर दीजिए इजाजत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जय हिंद एंड जय भारत।